हाँ जी, सारे नूं जय माता दी। हर हर महादेव शंभू, प्रभु श्री राम कृपा करे सारिया ते। दोस्तों, अज वैसे तो मैं हूँ इत्थे दरबार के सामने हूँ, ते वैसे मैं वीडियो बनाने लगी हाँ। सरो है, आप सब नूं मालूम ही है, सरसों है, ये गोभी सरसों है जिसको हम राई बोलते हैं। एक गोभी सरो है जिसको हम राई बोलते हैं। इसके जो मतलब फूल है आप देख सकते हो, इसको आप सब्जी में भी यूज करते हैं, फूल नू पाने यदि साग भी बनाने आप। तो इसका जो दाने आ देखो, इसमें मैं दिखाती हूँ, आ देखो इसमें फली पर गई है, आ देख सो, पास से दिखाती हूँ मैं क्योंकि दूर से नहीं मालूम पड़ेगा। देखो आज देखो, इसमें मतलब फली पर गई है, दाने बन गए हैं इसमें। तो क्योंकि फल जब पड़ जाते हैं फसल में, फूल निकलने के बाद फल पड़ जाते हैं, तो काफ़ी दाने इसको जो है अभी फली जो है अभी बारीक है, अभी ये मोटा होएगा। अभी ये काफ़ी जो फली है आप देख सकते हैं, ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं फली, तो इसके में दाने भी मोटे मोटे होते हैं। कहने का मतलब कि बढ़िया फल होते हैं जिससे मैं तेल निकलते हैं, जब हम कुल्लू में पिराते हैं इसको तो इससे तेल निकलते हैं जो हम लोग यूज करते हैं खाने में, सब्जी बनाने में ऑयल। तो ये फसल है, देख लो कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हो काफ़ी मतलब इसका खेती अब तो बहुत कम होने लगे, ज़्यादा होते थे अब कम लोग ही करने लगे हैं, पर फिलहाल हम तो हमारा तो घर जो है गांव में है, पिंड में है, पंजाबी में पिंड बोलते हैं, हिंदी में गांव बोलते हैं। तो हमारा जो गांव में है, गांव माहौल आप लोग मालूम है, हर एक फसल होती है गांव में, हर एक फसल होती है गाँव में। खैर, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि जो मैं वीडियो अपलोड करूं आप वो तक पहले पहुंच जाए, इसलिए मैं बोलती हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि चैनल भी ग्लो कर सके और आप तक वीडियो भी पहुंच जाए। और ये हमारा जो बच्ची है, गाय की बच्ची, और ये हमारा जो है बकरी का बच्चा शेला है हमारा, तगड़ा हो गया, अब इसको बेच डालेंगे हम। ये हमारी छोटी वाली गाय है, ये हमारी है, ये बड़ी वाली गाय है, ये अब ब्याही है, सुपरी है, और इसके जो है जो बच्चे हैं वो इसको देखते हैं, चिच्चर वगैरह पड़ जाते हैं गायों को, तो देख देख के हटाना भी पड़ते हैं क्योंकि जानवर है, केयर करने पड़ते हैं जानवर के, अगर हम नहीं केयर करेंगे तो फिर कौन करेगा ना, क्योंकि हम इनसे इनसे हमारी रोजी रोटी है, और इस करके हम इनका केयर करते हैं, इनसे हमारी रोजी रोटी चलती है। और ये भी आई हुई है, इसका जो गाय का दूध है इस टाइम दोस्तों 13 लीटर दूध है इस गाय का, इस टाइम इसका दूध जो है गाय का 13 लीटर है। पर अब मैं दूध नहीं निकालती हूँ, बेटी रानी निकालती है, क्योंकि हम अयोध्या चल गए थे तो इसका जो दूध है बेटी चोने लगी है, तो इस करके हमारे से गाय जो हाथ नहीं लगी है, बेटी रानी अभी चोती इसको दूध, जो बेटी रानी निकालती है अब इसका दूध। तो खैर, इसका जो दूध है 13 मतलब बच्चे को चुंगा के, जो बछड़ा है उसको चुंगा के 13 लीटर दूध हम चोते हैं इसका। बच्चा नहीं दूध चुंगेगा तो एकदम 14-15 लीटर है दूध इस गाय का। हाँ जी, इस गाय का 14-15 लीटर जो है दूध अब है इस गाय का। तो अब इसको पट्ठे डालेंगे अंदर, क्योंकि ये गाँव में मिलते हैं दोस्तों घर का दूध, घर का मक्खन, घर का दही, इस करके हम भी मोटे हो गए खा खा के। तो ये हमारी गाय है, आप कमेंट में बताएं आप लोग रखते हैं कि नहीं, शहर में तो नहीं रखते हैं। और ये हमारी बकरी है,
ये भी सुपरी ब्यापी, हिंदी में ब्या नहीं बोलते हैं, पंजाबी में सुपरे बोलते हैं। ये भी मतलब बच्चे दिए हुए हैं दो, एक छेला एक छेली, दो बच्चे दिए हुए हैं। और वो बच्चे अंदर है, उस गाय का जो बच्चा है ये है नंदी महाराज, ये नंदी महाराज है। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को आप, क्योंकि आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। और आप लोग हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि जो चैनल है ग्रो कर सके। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन होते हैं, जनता कुछ भी कर सकते हैं, जनता के ऊपर होता है किसको ऊपर लेके जाना है, किसको डिगाना। और हम यही कहेंगे कि आप हमें प्लीज सपोर्ट ज़रूर करें। तो सारे नू जय माता दी, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, प्रभु श्री राम कृपा करे। तो सारे नू जय माता दी, हर हर महादेव, जय शंभू। और ये हमारा दरबार है माता रानी का, माँ कालका के दरबार है, वहाँ पे बच्चे बने हुए हैं छोटे छोटे शरालू बकरी के बच्चे। तो और देखो हमारे दरवाजे के सामने खेत है और वहाँ पे सरसों चमक रहे हैं, आपको देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये गांव के माहौल है हरे भरे, ये गांव है। घर से बाहर पैर रखो हरियाली दिखती है, घर के अंदर आओ तभी हरियाली दिखती है दोस्तों। ये गांव में मिलते हैं, शहरों में नहीं मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि शहरों में प्रदूषण होते हैं, आप लोगों को मालूम है प्रदूषण ज़्यादा होते हैं। खैर दोस्तों आप लोग भी इंजॉय करें और खुश रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे रहे। जय माता दी।